हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग आईपीसी का एक नया चीज़ पढ़ेंगे, वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट और उसकी थ्योरीज, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 53 में आती है, ठीक है। वो सेक्शन 53 में आती है इंडियन पिनल कोड की, और ये चैप्टर 3 है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जो है केडी गौर की बुक फॉलो कर रही हूँ। तो केडी गौर की चैप्टर 3 में पनिशमेंट है, और वो सेक्शन 53 में दिया हुआ है। और इसमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि कितने टाइप्स की पनिशमेंट होती है। तो सबसे पहले तो डेथ होता है, सेकेंडली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, थर्ड वाला ओमिट कर दिया गया था एक्ट के थ्रू इन द ईयर ऑफ 1949, ठीक है। इसलिए थर्डली क्या है वो यहाँ पे नहीं मेंशन है, जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फोर्थ है कि इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली रिगरस दैट इज़ विथ हार्ड लेबर और सिंपल। दो तरीके की इम्प्रिजनमेंट होती है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी, जिसमें मैंने 65 से लेकर 67 तक सेक्शन बताया था, उसमें भी बताया था दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, तो वो रिगरस और सिंपल। और फिफ्थली है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाता है। और सिक्स्थ है फाइन। फाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं थियोरीज से, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पूरे थियोरीज को कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि थियोरीज कितने तरह की पनिशमेंट की होती है। तो पांच तरह की थियोरीज होती है, तो जिसमें कि सबसे पहला है डिटरेंट थ्योरी, ठीक है। डिटरेंट थ्योरी मतलब क्या है? अब डिटरेंट का मतलब है निवारक, ठीक है, कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, इसका अर्थ यही है, ठीक है। तो सबसे पहला डिटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट है कि ये सिर्फ नॉट ओनली टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम डूइंग अ रॉन्ग अ सेकेंड टाइम, बट ऑल्सो टू मेक हिम एन एग्जाम्पल टू अदर्स हु हैव क्रिमिनल टेंडेंसी। ये सिर्फ जो क्राइम करने वाला एक्यूज है उसको रोकना दोबारा, ताकि वो क्राइम ना कर पाए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक एग्जाम्पल है पूरे सोसाइटी के लिए, अदर्स के लिए जिनके पास क्रिमिनल टेंडेंसी है, वो भी सोच रहा हो कि वो भी वैसा कुछ क्राइम करे, तो वो उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह सामने आता है। तो इसमें सामान कंसिडर करता है कुछ एस्पेक्ट्स को क्रिमिनल जस्टिस कि उसमें सबसे जरूरी है कि क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए क्राइम को, ये सामन कहता है। और इसमें एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट है एक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का, तो उसमें ये उन्होंने कहा था कि आई डू नॉट पनिश यू फॉर स्टीलिंग द शिप। मैंने किसी भी इंसान को चोरी करने के लिए, कि उसने शिप को चोरी कर लिया, उसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया है। मैंने पनिशमेंट इसलिए दिया है बट सो दैट द शिप मे नॉट बी स्टोलन, ताकि शिप की जो है वो चोरी ना हो, क्योंकि चोरी नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल चोरी इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक। तो इसीलिए ये पनिशमेंट इंसान को दिया जाता है, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्लियर करने के लिए। तो ये डिटरेंट थ्योरी का पार्ट है। तो चीफ एम ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम इज टू मेक द एविल डूअर एन एग्जाम्पल, इसको बतौर एग्जाम्पल सेट करना, एंड अ वार्निंग टू ऑल दैट आर लाइक माइंडेड, जो लाइक माइंडेड है उनके लिए भी ये एक वार्निंग है। ओके, तो ये देख लेते हैं अब इसके बारे में कुछ हिस्ट्री, हम लोग इसके बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये शुरू कब हुआ था। ये पनिशमेंट है इंग्लैंड, उस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था मिडिवल पीरियड में। और इंडिया में क्या है इसका, ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया में द पेनल्टी ऑफ अ डेथ सेंटेंस और म्यूटिलेशन ऑफ द लिम्स वॉज इम्पोज इवन फॉर द पिटी ऑफेंसेस फॉर फॉर्जरी एंड स्टीलिंग एटसेट्रा ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ही ये शुरू हुआ था कि छोटे छोटे क्राइम के लिए भी डेथ सेंटेंस दिया जाता था, या हाथ पैर काट लेने वाला जो होता था, म्यूटिलेशन जिसको बोलते हैं, वो शुरू हुआ था मुगल्स के टाइम से, मुगल पीरियड से। और आज इवन टुडे इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यहाँ पे अभी भी डिटरेंट थ्योरी यूज होता है, मेन होता है किसी को भी पनिशमेंट देने का। तो लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनको, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कि
कि किसी भी चीज में किसी की भी ऑफेंस को अगर रोकने के लिए बहुत एक्सेसिव हार्शनेस और पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा रूड दिया जाए, टफ दिया जाए, तो उससे क्या होता है, एक मतलब क्या बोले, एक ऑपोजिट इम्पैक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी को सिंपैथी क्रिएट होती है बाय अराउजिंग द सिंपैथी ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का सिंपैथी अराउज होता है टूवर्ड्स दोज हु आर गिवन क्रूएल और इनह्यूमन पनिशमेंट, जिन लोगों को क्रूएल और इनह्यूमन पनिशमेंट दिया जाता है। तो डेटरेंट पनिशमेंट जनरली क्या बोलता है कि क्रिटिक्स क्या बोलता है, उसका मेन मकसद क्या है, इज लाइकली टू हार्डन द क्रिमिनल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इन हिज माइंड अ फियर ऑफ लॉ। उसके दिमाग में डर पैदा करने से भी ज्यादा क्या वो कर देता है डेटरेंट थ्योरी यूज करने से, वो ये करता है कि वो और ज्यादा टफ बन जाता है, उसको उसके बाद इम्प्रिजनमेंट से या किसी भी पनिशमेंट से डर नहीं लगता। तो ये इसका मेन डिमेरिट है, हार्डेंड क्रिमिनल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, ये हमारा पहला थ्योरी हो गया। अब देखते हैं सेकेंड थ्योरी, दैट इज प्रिवेंटिव थ्योरी। इसमें क्या बोला है, इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑफेंस को करने से रोकना, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज प्रिवेंशन और डिजेबलमेंट, उसको ऑफेंडर को जो है डिजेबल कर दिया जाता है किसी भी क्राइम को करने के लिए, वो कैसे, उसको जेल में डाल के, ठीक है, बाय पुटिंग द क्रिमिनल इन जेल ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग अनदर क्राइम। उससे क्या होता है, दूसरा क्राइम जो है हमारा वो ऑफेंडर जो है वो नहीं कर पाए। तो कंसंट्रेट्स ऑन द प्रिजनर, तो प्रिवेंटिव थ्योरी जनरली किस पे कंसंट्रेट करता है, प्रिजनर पे, और प्रिवेंट करने का कोशिश करता है फ्यूचर में कि फ्यूचर का कोई ऑफेंस ना हो, ठीक है। तो द डेथ पेनल्टी एंड एक्साइल सर्व द सेम पर्पज ऑफ डिसेबलिंग द ऑफेंडर। तो ये डेथ पेनल्टी ये भी, और जो एक्साइल है कि उसको सर्व करना पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट में, ये भी एक तरीका है जिससे कि क्राइम को रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी क्रिटिक्स ने ये पॉइंट किया है कि इसका भी एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है ऑफ हार्डनिंग फर्स्ट ऑफेंडर, जो पहली बार क्राइम कर रहा है या फिर जो जुविनाइल है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिल जाती है। व्हेन इम्प्रिजनमेंट इज द पनिशमेंट बाय पुटिंग देम इन एसोसिएशन ऑफ हार्डेंड क्रिमिनल्स। उससे क्या होता है, आपको जेल में अगर डाल दिया जाए, पहली ही बार पे कोई क्राइम करते हैं तो अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो उससे क्या होता है, वो हार्डेंड अंदर अंदर में तो और ज़्यादा हार्डेंड क्रिमिनल्स रहते हैं ना, तो उनके संगति में उनका वो चीज़ और गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी। अब आते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसका मेन मकसद ही है बदला, ठीक है। इन वन वर्ड, इसको अगर एक वर्ड में समझा जाए तो इसका मतलब है बदला लेना। तो एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, ए नेल फॉर अ नेल, लिम्ब फॉर अ लिम्ब, ठीक है, जैसा को तैसा, ये वैसा थ्योरी है, ठीक है। तो जस्टिस होम्स का ये मानना है कि इट इज कॉमनली नोन दैट द अर्ली फॉर्म्स ऑफ लीगल प्रोसीड्योर वेर ग्राउंडेड इन विनिजियंस। वो जो ये बहुत पहले के ज़माने का प्रिमिटिव सोसाइटी में यूज़ होता था सबसे पहले, अभी भी होता है बहुत सारी जगहों पे। तो उसमें क्या होता है, बदला, इसका मेन ही मकसद है बदला लेना, ठीक है। जो अगर कोई क्राइम किया है तो उसके साथ भी वैसा ही सुलूक किया जाए। अभी भी हमारे देश में कुछ जगह पे, कुछ स्टेट्स में जो खाप पंचायत का सिस्टम है वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये इसके फेवर में जो एडवोकेट्स है वो ये बोलते हैं कि क्रिमिनल डिजर्व टू सफर, ठीक है, क्रिमिनल को सफर करना ही चाहिए, वो डिजर्व करता है सफर करने का। तो इस केस में क्या होता है, जो क्रिमिनल है उसको सफर करना पड़ता तो है, वो उसको बदला लिया जाता है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं लेता है, उसके बदले में स्टेट ले लेता है, ठीक है, इंडिविजुअल के बदले में स्टेट ले लेता है। अगर स्टेट इस तरह का चीज़ ना करे तो क्या होगा, इंडिविजुअल जिसके साथ वो क्राइम हुआ है वो तो आके उसको बताएगा ही नहीं ना, वो तो आके स्टेट को इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, या फिर खुद खुद रिवेंज लेने लगेगा। अगर स्टेट को इन्फॉर्म ना करे, खुद रिवेंज लेने लगे, इंडिविजुअल रिवेंज जिसका मतलब है लिंचिंग, किलिंग और पनिशिंग, ठीक है, वायलेंटली, तो स्टेट में पीस मेंटेन नहीं रहेगा, स्टेट के बस में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्टेट को ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम रिवेंज लेना पड़ेगा। ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें भी क्रिटिक्स ने ये कहा है कि अगर इसी बेसिस पे चलता रहा तो ये एक बहुत ही मतलब गलत असर डालेगा, क्योंकि जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि बदला लेना। तो ये अगर थ्योरी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसा है उससे और बदतर बनेगा, ना कि कुछ अच्छा होगा इससे, ठीक है, क्योंकि
इसका कोई रेमेडी ये नहीं है कि आप क्राइम करने वाले के साथ भी क्राइम ही करो, ये जस्टिस का एंड नहीं है, ठीक है। तो जस्टिस अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो बेटर रिजल्ट दे, जस्टिस ऐसा हो कि वो बेटर रिजल्ट दे, उसको अच्छा वो सोसाइटी में और कैओस ना फैलाए। तो रिवेंज इज जस्टिस गॉन वाइल्ड, तो रिवेंज ऐसा हो गया है कि जस्टिस को बहुत ही वाइल्ड बना दिया गया हो।